नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेक इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैं अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर दे रहा, और ये सेटिंग ओपन करने के बाद देखिए, यहाँ पर कनेक्शन, साउंड एंड वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन, डिस्प्ले, एडवांस फीचर, डिवाइस मेंटेनेंस, एप्स, वॉलपेपर एंड थीम्स, लॉकिंग, सिक्योरिटी, क्लाउड एंड अकाउंट, गूगल एक्सेसिबिलिटी, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। पर यहाँ पर कहीं डेवलपर ऑप्शन का वो सेक्शन नहीं आ रहा, तो उसको इनेबल करने के लिए आपको सबसे नीचे यहाँ पर एक अबाउट फ़ोन का वो सेक्शन दिख रहा होगा, तो आपको उसमें बस जाना है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल की ये अबाउट फ़ोन में जाके उसको ओपन करें, और ओपन करने के बाद अगर बिल्ड नंबर का ऑप्शन अगर आ जाता है तो आप उस पर 7 times प्रेस करके आप डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाना है आपको। इसमें ये सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाने के बाद आपको वो बिल्ड नंबर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो जैसे मैं दिखा दे रहा, ये बिल्ड नंबर का ऑप्शन आ जा रहा है, तो इस पर आपको बस 7 times प्रेस कर देना है, तो आप अपने मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर पाएंगे। दोस्तों, मैं ज़रा बैक करके दिखा दे रहा कि मेरा डेवलपर मोड ऑन हो गया है, मैंने वो 7 times प्रेस कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए सबसे नीचे डेवलपर ऑप्शन का वो सेक्शन आ गया है। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं ओपन करके इसको दिखा रहा कि ये मेरे मोबाइल में ऑन हो गया है। ये मेरा मोबाइल J7 Max का है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक एंड शेयर करना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं अपने भाई बहन को शेयर कर देना, ताकि वो भी जान पाएँ कि कैसे अपने मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन को ऑन किया जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।